नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। अनमोल रिश्ते। अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। सेठ घनश्याम के दो पुत्र में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक चार पट्टी के कमरे को लेकर विवाद गढ़ाता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत ओर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा तो पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, छोड़ो इस, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना बताता हूँ मैं तुम्हें। पिता घनश्याम और दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर पाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटकर आ जाऊंगा। जब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझाता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़के नहीं प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली, सीट दो की मिली और वो तीन थे। जब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन सेठ को थोड़ी देर मदन जैसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया, फिर गांव आया। घनश्याम दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम ने जब देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतर ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम वहीं पर बैठकर रोने लगे। दोनों पुत्र ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? तो रोते हुए उस मृत पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो, इस घर को जरा याद करो, वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था तुम्हें याद है पुत्र? इस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी, सोए हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्यों वह दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला और एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे क्यों वो बस की सीट हमें मिल जाएगी, और यदि मिल जाए तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो सकती है? मतलब कि इस सीट पर हमारा सिवाय कोई ना बैठे। तो दोनों पुत्र ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती है, पहले कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा, और वैसे ही उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है। पिताजी फिर हंसे, फिर रोए और फिर बोले, देखो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था, बस थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर के बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं अनमोल रिश्ता की आहुति न दे देना, यदि कोई प्रलोभन आए तो इस घर की स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेंगे। बस बेटा मुझे ये कहना था कि बस कि उस सीट को याद कर लेना कि जिसकी रोज उसकी सवारी बदल रहती है उस सीट के खातिर अनमोल रिश्ता की आहुति न दे देना। जिस तरह किसी बस की यात्रा में तालमेल
बिठाया था। बस जैसा ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठा लेना। दोनों पुत्र पिता का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। शिक्षा। मित्रों, जो कुछ ऐश्वर्य संप्रदाय हमारे पास है तो सब कुछ सब थोड़ी देर के लिए है। थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, छोटे है ऐश्वर्य और संप्रदाय के चक्कर में नहीं कहीं किसी अनमोल रिश्ते को न खो देना।